नमस्ते, हेलो एंड गेम शो, दिस इज दिलीप हियर। वेलकम टू जूनियर जेई। यू कैन हैव अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ एज वेल एज फिजिक्स। सो टुडे इज वीडियो टोटली बेस्ड ऑन द बेस्ट अप्रोच यू शुड फॉलो टू क्लियर अपकमिंग एनटीएस एग्जामिनेशन। ओके, एंड इफ यू आर इन क्लास 9th एंड 10th, देन यू शुड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड यू शुड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। ओके, सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देन वी विल सी द टोटल रोड मैप for NTSC, for upcoming NTSC examination that is going to be conducted in the month of Jan. And the online application form that will be start in the month of October 2020 onwards. Okay, so NTSC examination mein do stage hote hain, stage 1 and stage 2. Stage 1 is totally based on a state level. If you are in Delhi or Gujarat or Rajasthan or Madhya Pradesh, so you will have a separate paper for stage 1. Okay, then after clearing stage 1 examination, aapko stage 2 mein aap aa jaoge. Wo stage 2 mein kya hota hai, jo exam hoga aapka wo central level hoga. Central in the sense what, pure all India level pe hoga. Okay, aur isme kya kaise paper aate hain, isme paper aata hai mat ka and dusra set ka. Again same, isme bhi yahi same pattern follow hone wala hai, mat and second is set. मैट, लेट्स टॉक अबाउट मैट। पहले मैथ की बात करते हैं हम लोग। मैट, मैट मतलब क्या हो गया, मेंटल, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ओके, अब ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट मतलब क्या हो गया भाई, इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके मेंटली थिंकिंग पे बेस्ड होते हैं कि आपका जो थिंकिंग जो आपका है वो कितना फास्ट है। ओके, इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, थिंकिंग हो गया, देन रीजनिंग, रीजनिंग बोल सकते हो इस चीज को। क्वेश्चन कैसे आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, कोडिंग डिकोडिंग। डू यू नो व्हाट इज अ कोडिंग डिकोडिंग? चलो बात करते हैं इस पे। इंग्लिश अल्फाबेटिक नंबर वर्ड्स, आई कैन से लेटर ए बी सी डी ई एंड एफ देन ऑनवर्ड्स। यू नो एक जो पोजिशन है दैट इज वन एंड बी का पोजिशन है टू, सी का पोजिशन है थ्री, डी का पोजिशन है फोर और ई का पोजिशन है फाइव, है ना। ऐसे करते करते आपको ए बी सी डी के अप टू जेड तक आपको उनका पोजिशन याद करना होता है। इट्स बट ये तो बहुत हार्ड हो जाएगा, बट ये सब हार्ड नहीं है, हर चीज का मेथड होता है, हर चीज का शॉर्ट ट्रिक होता है, ठीक है। सपोज हम लोग के पास बात करनी है आई की, तो आई का पोजिशन है 9 है और एम का पोजिशन 13 है, ओके, और टी का पोजिशन 20 है, बट ये सब कैसे याद रहेगा, ये हम लोग शॉर्ट ट्रिक बना लेंगे। जैसे कि आई होता है तो आई नो, मैं होता हूं तो एम है तो मैं तेरा, टी हो गया टी ट्वेंटी वाले क्रिकेट, और एफ होता है तो फाइन छे, गुजराती में बोलते हैं फाइन छे, तो मैं केम छो, तो फाइन छो एम भी है, तो फाइन छे वाला सीन हो गया। ओके, तो ये सिनेरियो होता है, तो हम लोग ऐसे इसको पैटर्न वाइज हम लोग याद कर सकते हैं, तो ये भी इजी हो जाएगा डिकोडिंग। तो इसमें अलग अलग पैटर्न भी आते हैं आपको, इसमें अलग अलग पैटर्न आते हैं। सपोज कोई नंबर दे दिया 4 है, देन 5 है, देन 6 है, देन इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, देन ये रॉन्ग है या राइट है, तो ऐसे पैटर्न आते हैं आपके पास। फिर हम लोग के पास सीरीज वाले क्वेश्चन भी आते हैं, सीरीज रहेगा पैटर्न रहेगा। फिर हम लोग बस में मिरर बेस वाले क्वेश्चन भी आते हैं, इसमें हम लोग का मिरर बेस वाले क्वेश्चन भी हम लोग के इधर आते हैं। ओके, कोई मिरर दिया रहेगा, सपोज हम लोग के पास दिया हुआ है F दिया हुआ है, तो मिरर के बाद F कैसे दिखाई देगा, तो ऐसे दिखाई देगा, तो ऐसे क्वेश्चन आपका आते हैं। ओके, और ये जो पेपर है कितने मार्क्स पेपर पेपर रहता है, ये तो जो है मैट का जो पेपर है वो उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, कितने मार्क्स के, 100 मार्क्स के। ओके, उसमें टाइमिंग कितना मिलेगा आपको, 120, दैट मींस आपको 2 घंटा मिलता है उस 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब हम बात करते हैं सेट की, सेट हम लोग के पास है, सेट में क्या आता है, सेट में देखो ये जो पेपर होता है 3 सेक्शन में डिवाइड होता है सेट वाला। एक तो हो गया सोशल साइंस, सोशल साइंस आपका हो गया एसएस, उसमें आपको 40 क्वेश्चन आते हैं, और फिर साइंस आता है इसके अंदर, साइंस में इसमें आपको 40 क्वेश्चन आते हैं, और फिर आता है एकदम लास्ट में मैथ, मैथ में 20 क्वेश्चन आता है। अगर आप एनटीएससी एग्जामिनेशन देखो ना, तो एनटीएससी एग्जामिनेशन दैट इज नॉट बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स, जिसमें मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन आते हैं। एंड वन मोर थिंग इज दैट, जो सेट जो स्टेज 1 है ना, स्टेज 1 इसमें मैट हो गया या इसमें आपके पास सेट हो गया, इसमें देयर इज अ नो नेगेटिव मार्किंग,
इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है भाई। आपको अगर क्वेश्चन के आंसर नहीं भी आते हैं तो आप उसको एमसीक्यू में आप टिक कर सकते हो, कुछ भी उसमें कोई आपका मार्क्स नहीं जाने वाला है नेगेटिव। अगर आप ये ने पेपर देखा अपने मैट का देखा, मैट में क्या पूरा रीजनिंग है आपकी सोच पे डिपेंड करता है, और जो सेट है वो साइंस और सोशल साइंस से डिपेंड करता है, और लास्ट वाला जो है मैथ डिपेंड करता है 20 मार्क्स। उसमें 100 क्वेश्चन हो गया, इसमें 100 क्वेश्चन हो गया, मतलब कि टोटल 200 क्वेश्चन में से सिर्फ 20 क्वेश्चन आपको मैथ के आने वाले, बाकी जो रेस्ट 180 क्वेश्चन है दैट इज नॉट फ्रॉम द मैथमेटिक्स। बहुत ही अच्छा मौका है आपको एनटीएस एग्जामिनेशन क्लियर करने का। द थिंग इज यू शुड फोकस ऑन योर क्लास 9th एंड 10th और रिविजन करना और कुछ नहीं, ओके। और फिर हम लोग बात करते हैं स्टेज टू की, बात करते हैं स्टेज टू जो होता है हम लोग के पास, वो भी सेंट्रल लेवल पे होता है भाई, ठीक है। तो आप ऑल ओवर इंडिया पूरा कंप्लीट करोगे आप, इसमें यही सिनेरियो है मैट और सेट वाला है, बट इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है, ठीक है। कितना होता है 1/3 मार्क्स, इसमें सही करोगे आप लोग तो उसमें आपको 1 मार्क्स मिलेंगे प्लस, रॉन्ग करते हो तो आपको 1/3, दैट मींस कि 0.33 मार्क्स आपके इसमें माइनस हो जाएंगे पर क्वेश्चन में। ये इसमें यही इतना डिफरेंस है, ओके ओके। यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन एज सून एज पॉसिबल, डोंट वरी, एग्जाम बहुत ही इजी होती है वाली, बट द थिंग इज यू शुड बी इन द मोड ऑफ अ कंसिस्टेंसी। सो बात ये है कि इस एग्जामिनेशन में आपने देखा है कि मैथ के सिर्फ 20 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको करना क्या है, आपको अच्छे से आपका सोशल साइंस पेपर कर लेना है और आपको साइंस अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है क्लास 9th का 10th का। और आपको स्टार्टिंग से सी आप 1 से लेके 9th या 10th तक आप लोग को इतने रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं आते, बट आपको वो चीज करना पड़ेगा फ्रॉम द स्टार्टिंग, आपको थोड़ा सा उसमें फोकस करना पड़ेगा। आपको आपको रीजनिंग के लिए आपको पैटर्न वाले क्वेश्चन सोल्व करने होंगे, आपको कोडिंग डिकोडिंग वाला सोल्व करना होगा क्वेश्चन, आपको मिरर वाला क्वेश्चन सोल्व करना होगा, बट ये बहुत ही इजीली आते हैं। सी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एफ है इसका क्या होगा, मेरे पास ऐसा होगा तो 7 दिख रहा है ऐसे, तो मिरर में क्या होगा ऐसे होगा, ओके टी ऐसा है तो भाई टी ऐसे टी ऐसा ऐसे ही रहने वाला, तो आपके थिंकिंग के बेस पे वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब इस पर अगर आप काबू पा लिए, अगर रीजनिंग में आपने अपना अच्छा परफॉर्म कर लिया मैथ में, फिर क्या करोगे आप सेट में बैठोगे, आप सेट में क्या है साइंस और सोशल साइंस अच्छे से पेपर होना चाहिए आपका, ओके। मैथ में क्या करोगे धक्का मार दोगे तभी चलेगा, एटलीस्ट आप 9th और 10th में एटलीस्ट बहुत सिली क्वेश्चन आते हैं आप उसको परफॉर्म कर लोगे, अगर आपके पास थोड़ा बहुत मैथ का अच्छा खासा नॉलेज रहेगा तो, ओके। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, एंड बस बहुत ही चंगा, बहुत ही अच्छा करो उस चीज को, एंड यू शुड वॉच दिस वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो यू शुड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू स्टिल यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी तो भाई तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई विल डेफिनेटली आंसर, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।